हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं, जो वैकेंसी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एमपीपीएससी के द्वारा अपडेट आए हैं। उम्र बढ़ाई गई है और पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो देखिए, देखते हैं कि पदों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है इस पूरे वीडियो में आप देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात, कितने पद बढ़े हैं और किस किस विभाग में पद बढ़े हैं, ये आपको यहाँ दिखेगा कि किस विभाग में कितने पद बढ़े हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगातार चैनल से जुड़े व सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग न्यू बड़ा एक अपडेट आया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा कुछ बड़ा एक अपडेट आया है। चलिए बात, रिक्तियों की संख्या में संशोधन, रिक्तियों की जो संख्या उसमें संशोधन एवं वर्दीदारी पदों हेतु आयु सीमा के निर्धारण की सूचना 17/12/2020 आज का अपडेट है। राज्य सेवा परीक्षा, तो ये वर्दी में पद के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है और पदों की भी वृद्धि की गई है। 571 पद हो चुके हैं 2019 की एग्ज़ाम के लिए, मुख्य परीक्षा के। चलिए बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है, आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु तो राज्य सेवा परीक्षा 2019 का विज्ञापन 3/2019 दिनांक 14/11/2019 आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू जारी किया गया था। इस रोजगार निर्माण और समाचार पत्र के 18/11/2019 के अंक में भी प्रकाशित किया गया है। दूसरा जो पॉइंट क्या बोल रहा है, उक्त विज्ञापन निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं, तो कौन कौन से पद हैं जिनमें संशोधन किए गए हैं, चलिए उनके बारे में अगर बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। स्कूली शिक्षा विभाग, पहले देखिए ऊपर पद दिए गए हैं एससी UR, SC, ST, OBC और जितने भी हैं। शिक्षा विभाग में कितने पद बढ़े हैं, सहायक संचालक, वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, सहायक संचालक जनसंपर्क, तृतीय श्रेणी कार्यपालिका, वाणिज्य कर विभाग, आबकारी उप निरीक्षक, वाणिज्य कर निरीक्षक, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा, लेखा सेवा। तो देखिए ये जो पद बढ़े हैं आपको दिख रहे होंगे, 571 पद हो चुके हैं, पदों की बढ़ोतरी भी हुई है। इसमें ख जो पॉइंट है, उप विलोपन, उक्त विज्ञापन में विज्ञप्ति सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग के सहायक संचालक संवर्ग के निम्नानुसार विज्ञप्ति पदों को अर्हता संशोधन के परिदेश में विभाग के अनुरोध पर विलुप्त किया जाता है। तो सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण में भी सहायक संचालक में जो पद की बढ़ोतरी आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, अगर तो उक्त संशोधन विलोम के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2019 की कुल पद संख्या 571 हो गई है। वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा, देखिए तो महत्वपूर्ण अपडेट है, बिग अपडेट है, वीडियो का पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुजा अनुजा अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट केवल राज्य सेवा परीक्षा 2019 में भी प्राप्त होगी। तो एक बिग अपडेट है, ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतीक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुभुक्त किया जाता है, किंतु परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा के 3 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पष्टीकरण, भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण नियम 1985 के नियम 2 घ में यथा प्रावधित भूतपूर्व सैनिक विज्ञापन के शेष। तो देखिए जो जानकारी आई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा में जो आयु सीमा की वृद्धि की गई है वर्दीधारी पदों के लिए और जो पदों की संख्या बढ़ी है वो भी जब आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें मैंने आपको उसमें बताया था, तो पदों की वृद्धि आप देख सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा जब भी वो होनी है बहुत जल्द प्री का रिजल्ट आना ही है और 2021 की प्री भी होनी है, तो लगातार पढ़ते रहो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम एक से एक शानदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।